अरे भाई थोड़ा सा सामान देने में सारा दिन लगाओगे क्या, जल्दी करो ना। अरे पवार साहब अभी 2 मिनट तो हुए हैं, साथ में पेन किलर दे दूं? अरे जो मांगा है वो दो भाई। अभी लाया साहब। अब क्या आजकल ये बैंडेज वैंडेज कोई दुकान पे लेने आता नहीं है, सब अस्पताल में पट्टी करवा लेते हैं। पर आप अस्पताल क्यों नहीं गए? रहने दो भाई, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे पवार साहब आपका ये देहरादून शहर थोड़ी है कि बाहर निकले गली पे और कोई दुकान मिल जाए, बरसी ग्रांड गांव है, जो मिलेगा यही मिलेगा। ये लीजिए। अरे पवार साहब ये क्या हुआ? अरे कुछ, अरे रेबीज और टिटनेस का इंजेक्शन भी दे देता हूँ। और डॉक्टर भी आने वाला, लगवा लीजिएगा। कब आए संकेत? अरे इस बार आप हमसे मिलने भी नहीं आए, हमने तो समझा था कि आप इस भविष्य हफ्ते आए नहीं है। बिष्ट अंकल नमस्ते, मैं कल रात को ही आया हूँ। ये हाथ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट। चलो अंदर, मैं बैंडेज कर देता हूँ। अरे मैं कर लूंगा अंकल, मैं आपसे मिलता हूँ। पारुल, बिल्कुल चुप, बिल्कुल आवाज नहीं। सर मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे ले जाने दो, किसी को नहीं बोलूंगी पक्का। अरुल मैंने तुझसे कहा था ना शैतानी नहीं करना, बिल्कुल तूने फिर से मेरा हाथ काटा, हाँ तू करे, मैं तुझे छोड़ दूं। मुझे ले जाने दो। ठीक है लेकिन कोई शैतानी नहीं करना, धोखा नहीं करना मेरे साथ। पानी पियोगे? पानी पियोगे? संकेत! अरे बीस अंकल, आपको मैंने बोला तो था मैं आके मिलूंगा आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आप आए नहीं? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे पास समय कहाँ है, अगले हफ्ते से परीक्षाएं हैं, मैं बस उसी में बिजी हूँ। पवार साहब हमारी एक पोती है, हम सोच रहे हैं कि आपके स्कूल में इसे भर्ती करवा दे, आपकी देखभाल में रहेगी तो जिंदगी बन जाएगी। हाँ तो ले आइए ना देहरादून। ठीक है अब आप लोग चलिए, बहुत काम पड़ा हुआ है। ठीक है। पवार सर वो जो उस दिन आपने भगत सिंह पर लेक्चर दिया था म्यूजियम में, मैंने सुना था सर बहुत अच्छा था, उसकी एक कॉपी मिल सकती है क्या? कौन सा लेक्चर? वो भगत सिंह पर आपने दिया था। हाँ अरे वो म्यूजियम वाले के पास है, आप उसे मेरा नाम ले दीजिएगा, वो दे देगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बंगाल के धनी जमींदारों ने अपने लिए
विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवाए, जिनमें नृत्य कक्षा दो मेरे हाथ दो। ये क्या है वरुण, ये करने आते हो स्कूल में? तुम्हारे माता पिता को मालूम है कि तुम स्कूल में आके क्या करते हो? नहीं मालूम। और तुम प्रेरणा, तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। जस्ट गेट आउट ऑफ माय क्लास, आउट। चलिए पेज नंबर 47। बंगाल और वहां के जमींदार। चैप्टर के अंत में जो सवाल दिए हुए हैं उसे बिना चैप्टर देखे बिना उसके जवाब आप लोगों को लिखने हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछिए। बहुत अच्छा लिख रही हो। लिखो लिखो। वेरी गुड हैंड राइटिंग। सिद्धार्थ जल्दी आओ। सिद्धार्थ, ये इंस्पेक्टर सिंह तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम जो कुछ भी जानते हो साफ साफ बताओ। मैं स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं। जी सर। जानते हो इसे? ये तो हमारे स्कूल की है ही नहीं। आपसे पूछा मैंने, लाइए। सिद्धार्थ कौन है ये? सर ये पारुल है। तुम इसे जानते हो? अगर आप ऐसे ही बीच में बोलते रहेंगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे पूरी करेंगे? आपकी रिक्वेस्ट की वजह से हम इस लड़के से सारी पूछताछ यहां कर रहे हैं, वरना इसे पुलिस स्टेशन भी ले जा सकते थे हम। सॉरी, आपकी ही पूछताछ। थैंक यू। देखो बेटा, घबराओ मत, जो कुछ भी सच है सामने रखो। सर मैं इसे 2 या 3 बार मिला हूँ ऐसे ही डेट पे। 2 या 3? 3 सर। लास्ट टाइम कब मिले थे? सर सिद्धार्थ, ये लड़की पिछले 12 दिनों से घर से गायब है। 14 नवंबर की शाम को अपने घर से निकली थी और आज तक वो लापता है। इसकी कॉलेज से मुझे पता चला कि तुम इसके साथ काफी घूमते फिरते थे। सिद्धार्थ लास्ट टाइम कब मिले थे? सर 11 नवंबर को सर, लेकिन उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। ठीक है सिद्धार्थ, अगर तुम्हें कुछ याद आता है या फिर शायद कोई तुम्हें कुछ बताता है, या मान लो इस लड़की का ही तुम्हें अगर कॉल आए, तो सबसे पहले तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। जी सर। और हाँ, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है
तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर सर लेकिन कौन है अंदर? अंदर कौन है? कौन है अंदर? बाहर आओ। सर सर मैं हूं, मैं अकेले हूं सर। बाहर आओ नहीं तो सिक्योरिटी को बुलवाता हूं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जल्दी बाहर आओ नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। बताइए सर। तू इतना घबराया हुआ क्यों? नहीं सर। अंदर कौन है? कोई भी नहीं है सर। कोई नहीं है? नहीं नहीं सर। प्रेरणा चुप हो जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा सच्ची, मत रो ना, चुप हो जाओ। बड़ी शर्म आ रही है तुमको? सर प्यार करते हैं हम लोग। लेकिन ये प्यार करने की जगह है? माँ बाप तुम लोगों पे पैसे इसलिए खर्च करते हैं कि स्कूल में आके तुम लोग प्यार करो पढ़ाई करने के बजाय। सर तो क्या करें, घर पे कर नहीं सकते, होटल में आईडी मांगते हैं और दोस्त का घर है नहीं सर। हाँ ये बात तो है। तुम लोग फिर सच्चा प्यार भी करते हो आपस में हैं? अच्छा एक बात बता कि अगर जगह का इंतजाम हो जाए तो? कहाँ से होगा सर? देखो बेटा पैसा हो तो सब चीज का इंतजाम हो सकता है। सर एक दिक्कत भी तो है, इसको घर भी जल्दी जाना होता है और घर वाले पूछेंगे भी तो कहाँ जा रहे हैं। डोंट वरी मैं हूं ना, बस तू पैसे का इंतजाम कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर अब इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं तो 2 घंटे की जगह 2 दिन कर दीजिए ना, 4 दिन में प्रेरणा का बर्थडे भी है। तो मतलब तू इसके बर्थडे से पहले बर्थडे मना लेगा, वो भी 2 दिनों तक? ठीक है एक नंबर देता हूं, मेरा नंबर। कच्ची उम्र का प्रेम बहुत नाजुक होता है। इस उम्र में प्रेमी इतने उत्साहित होते हैं कि कोई भी जोखिम उठाने से नहीं डरते, हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे कि इस वक्त वरुण और प्रेरणा हैं। लेकिन ऐसे प्रेमी ये भूल जाते हैं कि जिसे वो चुनौती समझ रहे हैं दरअसल वो एक खतरा है। संकेत पवार दुनिया की नजरों में एक इज्जतदार टीचर है लेकिन असलियत में एक हैवान। कौन है वो लड़की जिसे उसने बंदी बना रखा है और जिसके साथ लगातार ज्यादती कर रहा है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में और क्या है वरुण और प्रेरणा का भविष्य? आइए देखते हैं। सुनिए ना पापा, घूमने थोड़े ना जा रहे हैं। मम्मी सिर्फ 2 दिन के लिए, हिस्ट्री टूर है। पापा जॉर्ज एवरेस्ट रचनबोन का घर देखने जा रहे हैं। बचपन में देखा तो है जॉर्ज एवरेस्ट, अब कोई नया देखोगे क्या? पापा बचपन में घूमने जाने में और अभी हिस्ट्री के टूर में बहुत अंतर है। कौन कौन जा रहे हैं? हम लोग सब स्कूल में जितने भी क्लासमेट सारे, बस लड़कियां भी है। अरे मम्मी यार आप भी लो, आप खुद ही पवार सर से बात कर लो। लो ये लो मम्मी आप ही बात कर लो।
आप बात कीजिए ना। लो लो पापा, आप करिए। हेलो। हाँ सर, मैं वरुण यादव का पापा बोल रहा हूँ, सचिन यादव। जी बोलिए। आप लोग कोई एजुकेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कोई 2 दिन के लिए मसूरी जाने का। जी हाँ, वो ट्रिप इसी सैटरडे संडे है। आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ में रहूंगा, बहुत अच्छा ट्रिप है। और आप जब भी बात करना चाहें आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। ओके ओके सर, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अरे जल्दी करो, बस छूट जाएगी। मुझे तो लगता है तुमको जाना ही नहीं है, कैंसिल कर दें क्या? अरे आ तो रही हूँ, कर तो रही हूँ जब से तैयारी, पहले से कुछ बताते नहीं है? ऋषिकेश जाना कोई मामूली बात है क्या? दो दो बच्चों के साथ इतनी तैयारी, बस आ गए ऑर्डर कर दिया, चलो चल जल्दी चल। एक तो छुट्टी पे ले जाते नहीं, अब ले जा रहे तो सही से तैयारी तो करने दो। इस आदमी ने ना दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तुम्हें तो बस मौका चाहिए ताने मारने का। चल जल्दी चल। अरे अभी मैं चल रहा हूँ ना, फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है, बस छूट गई तो वापस आ जाना। हाँ मैं तो आ ही जाऊंगी। बैठो बैठो अभी, चलो। अरे रीमा। हाँ। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ? अरे मैं अपनी किताबें और क्लास के पेपर्स तो घर ही पे भूल गया। अरे चलो लेके आते। पागल हो क्या, बस छूट गई तो? हाँ ये बात तो है। एक काम करो रीमा, तुम लोग इस बस से जाओ, मैं पीछे वाली बस से आता हूँ। अरे 5-10 मिनट लगेगा, हम साथ चलते हैं ना। अरे अगर ये बस छूट गई तो अभी तो एक टिकट खराब हो रही है, फिर 4-4 टिकट खराब होगी। अरे आपके मारे ना बहुत परेशान हूं मैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे जल्दी करो बेटा, आ जाओ, बस निकल जाएगी। अरे बेटा आप आ जाना जल्दी से। बिल्कुल, मैं पीछे वाली बस से आ रहा हूँ, और जैसे ही बस में चढ़ जाना मुझे फोन करना, जाओ। देखो लेट नहीं करना, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ पीछे वाली बस से। परेशान करके रख दिया। बाय बेटा। अब एडवांस 3,000 रुपये, पकड़ जाते वक्त 2,000 रुपये, ठीक है ना? मैं आसपास ही रहूँगा, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और तेरे घर वालों ने तुझसे बात करनी चाहिए ना, मैं तेरी बात करवा दूँगा, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, समझ गए, ये चाबी लो। थैंक यू। Varun, you know what? It's gonna be my best birthday ever. Color acha hai. I know. Match nahi hu. Oh God. Varun, who's there? Abhi kaun aaya hoga? Tum logo main dekhta hu. हाँ वरुण, चलो निकलो निकलो, तुम दोनों यहाँ से निकलो। सर क्या हो गया? अरे मेरी वाइफ आ रही है, निकलो तुम लोग फटाफट यहाँ से। सर अभी तो आए, इतनी रात में कहाँ जाएंगे? अरे देखो मेरा एक और घर है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर, बरसी ग्रैंड गांव में, बहुत शान जगह है, तुम दोनों वहां रह लेना, ठीक है? लेकिन जल्दी करो। अरे प्रेरणा, तुम क्या मेरी बीवी से मिल करके निकलोगे? फटाफट निकलो, जैसे हो वैसे निकलो ना, फटाफट। देखो बाद में रस्ते में बात करेंगे, पहले निकलो। हेलो। हाँ रीमा बोलो। अरे गाड़ी किनारे लगा करके बात करने में टाइम लगेगा ना, कि गाड़ी चलाते हुए बात करूं? हाँ ठीक है, पहुंच करके फोन कर देना मुझे। हाँ हाँ मैं पहुंचता हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ, ठीक है? रखो फोन अभी। देखा घर पहुंचने वाली है, टाइम से निकल गए नहीं तो फंस जाते हैं।
आजा, आजा। यही है वो जगह। अब ये होटल जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत शांति है। ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है। और मैं ऊपर वाले कमरे में रहूंगा। कल शाम को हम लोग घर के लिए निकलेंगे, ठीक है? तब तक तुम लोग, और हाँ, मैं इस बार परेशान नहीं करूंगा। जा। क्या हुआ सर? बारा, मुझे अंदर जाना है। सर क्या हो गया, आपको क्यों जाना अंदर? तुझे जो करना था तूने कर लिया। सर मेरी गर्लफ्रेंड है वो, पागल हो गए क्या? पीकर आए, ऊपर जाइए। सर 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 क्या कर रहे हो? सर 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 को मजा लेना था ना, अब लो मजा। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज ना दे प्लीज। मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला और तू किसी से कुछ नहीं कहेगी? सब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था सर, दोस्त था बस। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं था? अरे कितनी बेशरम है तू है। शरीर पर हुए घाव उतना दर्द नहीं देते हैं जितना दर्द आत्मा के छलनी होने पर होता है। संकेत ने पहले पारुल का बार बार शारीरिक शोषण किया और फिर बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया। उसने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा प्रेरणा को भी अपनी हवस का शिकार बनाया और अपनी वहशत में वरुण को भी मौत के घाट उतार दिया। कहने को संकेत एक टीचर था, गुरु ईश्वर तुल्य होता है, लेकिन इस हैवान ने तो अपनी दरिंदगी से अपने सम्मानित पेशे के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। और प्रेरणा अब भी इसके चंगुल में है। क्या वो खुद को बचा पाएगी? क्या है संकेत की अगली साजिश?
सर, सर पवार सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे। आइए पवार सर। सर इनका बेटा और इनकी बेटी कल से मिसिंग है। वरुण और प्रेरणा जी, आपको पता है वो मिसिंग है? नहीं नहीं, मैं क्लास में अटेंडेंस ले रहा था सर, तो दोनों अब्सेंट थे, तो उसी से अंदाजा लगाया कि शायद वही होंगे। उन्होंने कुछ बताया था आपको? मुझे क्यों बताएंगे? क्यों मजाक कर रहे हैं सर, आप ही के साथ तो गए थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, उन्हें तो कल शाम तक आ जाना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहीं पे हैं, वो किसके साथ गए थे? सर उस रात आप ही से तो बात हुई थी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखाता हूं। ये आप ही का नंबर है ना? पवार सर आप ही है ना, हिस्ट्री आप ही पढ़ाते हैं ना? जी मैडम, मैं ही संकेत पवार हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लेकिन मैडम ये मेरा नंबर नहीं है और मेरी आपसे कभी बात हुई ही नहीं। आप इस नंबर पर एक और कॉल कीजिए ना। ये नंबर उपलब्ध नहीं है। लगता है हमें पुलिस स्टेशन में खबर करनी होगी। हाँ सर, अब हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। अब देखिए, आजकल के बच्चे कुछ भी करते हैं। स्कूल में प्यार बार हो जाता है और फिर मैंने वरुण और प्रेरणा को कई बार शैतानी करते हुए स्कूल में पकड़ा है और मैंने कई मरतबा वार्निंग भी दी है उन्हें, लेकिन आप आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है वो लोग जल्दी आ जाएंगे। सर वो लड़की पारुल गायब हुई थी 2 हफ्ते पहले, और वो लड़का क्या नाम है, वरुण, हाँ जी सर, वो गायब हुआ था 4 दिन पहले, और दोनों की लाशें एक ही दिन एक ही जगह पर मिली है। सर कुछ तो कनेक्शन है दोनों में। जी सर, जी सर, सबसे पहले मैं सिद्धार्थ को उठा रहा हूँ। राइट सर, ओके सर। घर देते थे, उनने बहुत सारे लोगों को दिया सर, सर लेकिन सर वो लास्ट टाइम था सर, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला उससे, और उसके 2 दिन बाद वो गायब हो गई सर, मुझे नहीं पता सर वो कहाँ गई, सच्ची में सर कसम खा रहा हूँ सर, नहीं पता सर मुझे। हेलो सिंह सर। वो जो नंबर दिया था आपने टीचर का, जिससे स्टूडेंट्स के माता पिता ने बात की थी, वो तो किसी रामप्रसाद के नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पेश हुआ है, एड्रेस भी गलत है।
थैंक यू निकी जी, लेके जाए इसको। सर 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 गलती हो गई सर सर अरे सर सर संकेत पवार जी। संकेत पवार जी, मैं इंस्पेक्टर आकाश सिंह बोल रहा हूँ। थोड़े दिन पहले आपके स्कूल आया था, पारुल नाम की एक लड़की 2 हफ्ते से मिसिंग थी। उसी सिलसिले में आपके एक स्टूडेंट सिद्धार्थ देवान से बातचीत की थी हमने। सिद्धार्थ का कहना है कि वो और पारुल दोनों आपके घर आए थे। मिस्टर पवार, आप तुरंत अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। और ऊपर से ये वरुण यादव, उसकी डेड बॉडी भी हमें वहीं मिली है जहाँ से हमें पारुल की डेड बॉडी मिली थी। और उसके पिताजी का भी यही कहना है कि उन्होंने आपसे एक रात बाद। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? अरे क्या पिक्चर भेजी आपने, मजा आ गया सही में। इतनी अच्छी पिक्चर ना मैंने बहुत दिनों बाद देखी। और खाना क्या अच्छा खाना तेरा बेटा, मजा आ गया। आप होते ना सच में मजा आ जाता। बताओ ना। अरे अरे क्या हुआ? अरे खाना तो खा लो, गरम कर देती हूँ। सर आप यहाँ पे कुछ काम था? बेटा घर में कोई है? नहीं सर, घर में तो कोई भी नहीं है। मम्मी पापा बाहर गए हैं और भाई ट्यूशन गया है। ओ अच्छा। दरअसल पारुल, सिद्धार्थ तुमसे मिलना चाहता है मेरे गांव वाले घर पे। उसके पापा ने उसका फोन ले लिया, इसलिए वो तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया। पर सर मैं अभी कैसे चल सकती हूँ? मम्मी पापा कोई भी घर पे नहीं है। तो ठीक है, मैं सिद को बोल देता हूँ कि तुम नहीं आ पाओगी। एक मिनट सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अपना फोन लेकर बस अभी आती हूँ। सर हम रात को जल्दी तो वापस आ जाएंगे ना? भाई अब सिद्धार्थ ने तुम्हें क्यों बुलाया है मुझे क्या मालूम, अब तुम मिलने के बाद सिद्धार्थ से खुद ही पूछ लेना। सर 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 कहाँ है? सर तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है मतलब? पारुल मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हूं ना। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? देखो पारुल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती है मुझे तुम। सर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे सुनो पारुल, पारुल सर पारुल मेरी बात सुनो, सुनो सुनो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? नहीं मैं बता दूं, तुम्हारे बाप को माँ बाप को मालूम है तुम सिद्ध के साथ मेरे घर पे आई थी? मैं सिद्ध के स्कूल में बता दूं, हैं? ये फोटो दिखा दूं, इंटरनेट पे डाल दूं? फोन दो। अरे रीमा जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। और हाँ उसमें कुछ गर्म कपड़े रख देना, समझी? और उठो बैठी मत रहो खाली।
रिमा आपके पास कितना पैसा है घर में? रीना जितने भी पैसे हैं सारे पैसे लेकर के आओ। रीना मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या किया तुमने बच्चों के साथ? बच्चे तुमको भगवान मानते थे, भगवान के साथ तुम्हारी फोटो रखते थे पूरे गांव में मैं सर उठा के चलती। तुमने क्या किया? पास नहीं आना, नहीं मार दूंगा इसको। इंस्पेक्टर आगे नहीं बढ़ा। पावर कानून को हाथ में मत ले, छोड़ दो उसे। बात पीछे। पावर तेरी बच्ची है वो, छोड़ उसको। कोई भी पास आया तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। बच्ची को मार दूंगा मैं, दूर रात में उससे। और कह रहा हूं मैं। संकेत पवार की पत्नी रीमा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसी के साहस की बदौलत पुलिस संकेत को दबोचने में कामयाब हुई। संकेत की नीचता तो इसी बात से जाहिर होती है कि खुद को बचाने के लिए वो अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूका। ऐसे शख्स को इंसान कहना तो पूरी इंसानियत को अपमानित करना होगा। शुक्र है कि पुलिस ने संकेत के गांव वाले घर पहुंचकर प्रेरणा को सही सलामत छुड़ा लिया। संकेत पवार को पारुल और वरुण की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, पारुल और प्रेरणा को ज्यादती के इरादे से अगवा करने के लिए धारा 366 और शारीरिक शोषण के लिए धारा 376 के तहत सजा दी जाएगी। किशोरावस्था में बच्चों का बहकना कोई नई बात नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि संबंधों का क्या मतलब होता है, सामाजिक तौर पर जुड़ना क्या है, औपचारिक रिश्ते क्या होते हैं, कहां खुद पर रोक लगाना जरूरी है, रिश्तों में ईमानदारी और सार्वजनिक तौर पर प्यार जताने जैसे मुद्दों पर परिवार में खुलकर बातचीत होनी चाहिए। बच्चों को आजादी के साथ साथ सही जीवन मूल्य देकर ही उन्हें गलत राह पर भटकने से बचाया जा सकता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।